शेयर बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दीपक शर्मा, और जैसा आपको दिख रहा है कि संजीव शर्मा साहब आ चुके हैं। जिस वक्त संसद में विपक्ष घेर रहा है मोदी सरकार को जीडीपी पर, प्रोडक्शन पर, एक्सपोर्ट्स पर, बात हो रही है कि साहब किस तरह से देश की जो आर्थिक स्थिति है वो हालत ख़राब है, विपक्ष कह रहा है, इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका में, लंदन में, जापान में, पूरी दुनिया भर में चर्चा क्या हो रही है कि साहब हिंदुस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, जीडीपी जो भी हो, आर्थिक स्थिति जो भी हो, लेकिन हिंदुस्तान का जो बाज़ार है वहाँ पर बूम है, और पहली बार 52,000 ऑल टाइम हाई सेंसेक्स किया, निफ्टी ऑल टाइम हाई। और ये एक अजीब सी स्थिति है कि जहाँ करोड़पति लखपति हर महीने, हर हफ्ते नए पैदा हो रहे हैं। तो आज उसी स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, और हमने पहले भी आपसे कहा था कि जाहिर तौर पर ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसी गली है, ये एक ऐसी स्ट्रीट है, दलाल स्ट्रीट, जहाँ थोड़ा सा भी अगर आप इमेजिनेशन के साथ, तैयारी के साथ, पंडित जी संजीव भाई जैसे आपको गाइड मिल जाएं, कोच मिल जाएं, ट्रेनर मिल जाएं, और उनकी सीख के साथ अगर आप इस गली में घुसेंगे, तो जब बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पर इस चढ़े हुए बाज़ार में जेब आपकी गर्म होगी। संजीव भाई जी, चढ़ता बाज़ार, चढ़ती नदी, उफान लिए हुए जी, ऐसे में जो आम निवेशक है वो क्या करे? एक लाइन आपकी और फिर मैं शो शुरू करता हूँ। देखिए, अब तो चढ़ती नदी ठंडी पड़ी हुई है, दो दिन हो गए जी, दो दिन से पॉजिटिव क्लोज तो नहीं, अब मतलब नए लोगों को खरीदने का मौका मिलने जा रहा है नहीं, और ये हो सकता है कि उस ट्रेंड का एक कंसोलिडेशन भी हो जी। देखिए, मार्केट अभी तो ऐसे वर्टिकल चल रहा है जी, हाँ, मतलब पर्वत की तरह। आज भी जो सेंसेक्स था अगर आप देखें तो 51,703, हालांकि 400 अंक नीचे था लेकिन 51,000 के ऊपर था। और निफ्टी 50 अगर आप देखें तो 15,208 अंक, 104 डाउन, डाउन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शिखर से उतर रहे हैं, शिखर पर ही हैं अभी। और आज हम लेंगे, एक बैंक से शुरुआत करते हैं, एक ऐसा बैंक जो हम बता चुके हैं कि जो बैंक हिंदुजाज का है, और हिंदुजा ब्रदर्स वो चार भाई जिन्होंने लंदन में, ब्रिटेन में, यूरोप में धमाल किया, कमाल किया, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन ब्रिटेन, वो ब्रिटेन जो हम पर हुकूमत करता था 200 साल, कहने में थोड़ा सा लज्जा महसूस हो रही है, हम गुलाम रहे जिसके, वहाँ पर गुलामी आज प्रधानमंत्री और वहाँ के मंत्री करते हैं हिंदुजाज के, तो सल्यूट है हिंदुजाज को, इतिहास पलटा है। और इन्हीं का एक बैंक है इंडसइंड बैंक, उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि संजीव भाई काफ़ी दिन से इस पर अध्ययन कर रहे थे, इसकी बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, बैंक की हालत क्या है प्राइवेट बैंक में, और हम मैंने भी देखा कि संजीव भाई इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत अच्छा है, HDFC के बाद, मतलब एक्सिस बैंक से भी ज़्यादा, ICICI से भी ज़्यादा, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसके अंदर। और आज मैं उसका भाव आपको बताता हूँ, 1,033.20 रुपये, 1,033.20, 1,033 रुपये, थोड़ा सा नीचे आया 17 फरवरी को, लेकिन अगर आप सितंबर से इसकी रवानी देखेंगे, इसकी उठान देखेंगे, इसका उछाल देखेंगे इंडसइंड बैंक का, तो 490 से 450, 55, फिर 500 क्रॉस कर गया, फिर 600 कर गया, फिर 700 कर गया, और लगातार इसने हैट्रिक लगाई है 100-100 रुपये बढ़ने की, 1,033 पर है। साल भर का अगर हम डेटा निकाल लें, सारा डाटा निकालें कि साल भर में लो कितना था, लोएस्ट कहाँ तक गया, हाई कहाँ तक गया, तो लो गया है 235 रुपये, 235 तक, और हाई 1209, और आगे की दास्तान सुनाएंगे संजीव जी। जी संजीव जी, 1,033 रुपये है, अब आप बताइए कि आप क्या टारगेट देने जा रहे हैं इसको? जी, इसको टारगेट दे रहे हैं 1,300 रुपये का, 1300 जेफरीज इसको टारगेट दे रहे हैं। और देखिए, वो जो खबर इसमें चल रही है वो हिंदुजा से जुड़ी हुई है, उसमें ये है कि वो लोग अपना जो प्रमोटर्स हैं
तो जो अपना हिस्सेदारी है इंडसइंड बैंक में उसको बढ़ाने वाले हैं, तो ज़्यादा पैसा आएगा बैंक में। हाँ, जब प्रमोटर ही बढ़ाएगा तो उसका मतलब प्रमोटर बढ़ाएगा, और उसके लिए वो इंटरनेशनली अपने कुछ एसेट्स बेच रहे हैं, कुछ अपना रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बैंक का जो दाम है बहुत ज़्यादा है, तो उनको काफ़ी पैसा लाना है, तो उनके नाम के एक्चुअली वो वारंट्स, वो आपके क्राइम वाले नहीं, हमारे इक्विटी में भी वारंट होता है, वारंटी होता है कि उसके बदले में आपको शेयर मिलता है जी, तो इनको अब वो शेयर मिलेंगे प्रमोटर को, और ये वो शेयर को सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो देखिए इंडसइंड बैंक में बाकी सब बढ़िया है, तो प्रमोटर होल्डिंग जो है ना उसको लेके थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि बहुत कम है वो होल्डिंग, तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, मतलब बैंक और सॉलिड होने जा रहा जी। है, तो मालिक और सॉलिड होने जा रहे हैं और बैंक सॉलिड होने जा रहा है। अब जरा आप कल्पना करिए, थोड़ा सा गणित, अगर थोड़ी बहुत गणित हाई स्कूल लेवल की भी आप लगाइए, आप सोचिए कि जिसने भी इस शेयर को 400 रुपए में लिया, 450 में मिल लिया, सितंबर के महीने में 490 पे था, तो जो शेयर चंद महीने पहले जो 400 रुपए पे चीज़ खड़ी हुई थी, वो जो टारगेट दे रहे हैं 1300 रुपए का, सोचिए 400 से 1300 रुपए, आप कल्पना करिए प्रॉफिट की, मुनाफे की। दीपक जी, मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं एक सज्जन है जो कि स्टॉक ब्रोकर नहीं है, प्रोफेशनल हैं, उन्होंने 20 रुपए का तो कोटक महिंद्रा ले रखा है, 20 रुपए में लिया था, आप क्या दाम है उसका बताइए। तो मल्टीबैगर कैसे बनता है, मल्टीबैगर ऐसे बन जाता है, तो मल्टीबैगर की बात है, मतलब एक ऐसा शेयर, और एक बार मैं चाहूंगा कि आपको कन्विंस करने के तौर पे थोड़ी सी हम इंडसइंड बैंक, हिंदुजाज की बात हो गई कि साहब सबसे रिचेस्ट हैं, तो जरा इनके बैंक की बैलेंस शीट भी देखें क्या है। सितंबर 22 यानी सितंबर तिमाही की देखें तो रेवेन्यू था 7177 करोड़, और प्रॉफिट जो था विशुद्ध नेट प्रॉफिट था 663 करोड़ रुपए का, और दिसंबर में 7241 करोड़ इनका रेवेन्यू था, और बैंक का जो नेट प्रॉफिट था 830 करोड़ रुपए का, यानी पूरी तरह से 3 महीने के अंदर ही जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो 663 से 830 करोड़ आया। तो ये एक इनका आप कह सकते हैं बैलेंस शीट जो सामने आई है, पंडित जी लेके आए हैं, वो बैलेंस शीट दिखाती है कि बैंक में दम है, बैंक के अंदर एक पोटेंशियल है और एक अपवर्ड मूवमेंट है, और इसी वजह से जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं, 74% लोग मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं उनके वो खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, कितने 74% बाय करना चाहते हैं, और सेल करना कितना करना चाहते हैं सिर्फ 22%, तो यानी खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं 74% से ज़्यादा। तो तभी तो हम बता रहे हैं, हम भी तो तभी बता रहे हैं क्योंकि हमें वो पता है कि इस टाइम पे उसका एक अच्छा स्टेज है। कल पत्रू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, KPTL, कल पत्रू, बॉम्बे में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये कंपनी पावर सेक्टर से जुड़ी है, इंजीनियरिंग से जुड़ी है, बड़े बड़े आप टावर देखेंगे जहाँ से मोटी मोटी तारें बिजली की जाती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस, उन सब का एक इसका बड़ा कारोबार है, हिंदुस्तान में भी है और विदेश में भी है, और अब तो ये ऑयल के क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी कंपनी लेती है, चाहे रेलवे के ही प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, और बड़ा सॉलिड मैनेजमेंट। एक चीज़ तो देखिए है कि जो कंपनियां मुंबई की हैं या गुजरात की, जो जिसमें गुजरात टच है ना, या मुंबई का टच है, जिनमें जिनका आप कह सकते हैं कि जो हेडक्वार्टर वहाँ पर है, वो जो एक तरह का जो एक फ्लेवर है वेस्टर्न इंडिया का, तो समझ लीजिए कि मैनेजमेंट जो है वो वाकई अंबानी, अडानी, गोदरेज, टाटा इस तरह का होगा, और कल्पतरु उसी तर्ज पर आगे बढ़ा है। 374.90 रुपये आज इसके शेयर का दाम था 17 फरवरी को, और लगातार जो हमारी टीम ने देखा, जो हमने डेटा माइनिंग करी, बही खाते खंगाले, चार्ट्स देखे, टेक्निकल चार्ट देखे, तो अक्टूबर से लगातार ये शेयर बढ़ता जा रहा है, और भले 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये, लेकिन बड़ी स्टेडी ग्रोथ है, और जैसा संजीव भाई कहते हैं कि शेयर मार्केट में जो शेयर नीचे जा नहीं रहा हो, ऊपर ही ऊपर जा रहा हो, तो उस पर आप सवारी कर सकते हैं,
क्योंकि वो आपको और ऊपर ले जाएगा। और अक्टूबर से ये मतलब 250 रुपये से भी कम था, ये 233 के आसपास था, और वहाँ से ये अपवर्ड इसका मूवमेंट रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता ही चला गया है। और इसका टारगेट पूछ लेते हैं कि 374 रुपये से ये शेयर अब आगे कहाँ जाएगा, इसका अगला मकाम क्या है, इसकी मंजिल क्या है, वो ये बताएंगे। जी, 550 रुपये का इसका टारगेट आ गया। कितना? 550। ICICI सिक्योरिटीज इसको दे रहे हैं 550 का टारगेट। देखिए इसका जो वैल्यूएशन है बहुत रीजनेबल है, ये ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है, अभी ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। तो महंगा, संजीव कह रहे हैं कि शेयर महंगा नहीं है, और मुझे लगता है कि 233 पर ये अक्टूबर में खड़ा हुआ था, और 4-5 महीने बाद आप 500 के ऊपर ले जा रहे हैं, डबल हो रहा है साहब, मुनाफा दुगना। हाँ, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि जो करंट भाव है उसके ऊपर 550। और दो लाइन जो है आप इसके मैनेजमेंट के बारे में बता दीजिए, ये देखिए ये बही खाते बता दीजिए। हाँ, ये देखिए ये एसेंशियली कल्पतरु पावर जो है ये बहुत बड़े रियल एस्टेट बिल्डर हैं बॉम्बे में, तो इनका मेजर काम पहले रियल एस्टेट का, इंजीनियरिंग जबरदस्त प्रोजेक्ट्स और वो सब, फिर पावर में घुसे, ट्रांसमिशन में, अब ये पावर और ट्रांसमिशन की कंपनी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसमें ये क्या कर रहे हैं कि कुछ इन्होंने एसेट्स भी बेचे हैं, बैलेंस शीट पे से जो अपना उन्होंने डेट वगैरह ले रखा है उसको कम कर रहे हैं, तो उसको लेके 550 रुपये का टारगेट आ रहा है। जी हाँ, तो अब बात हो जाए, अगर पावर ट्रांसमिशन की बात हो जाए तो NHPC की बात कर लेते हैं। और NHPC और NTPC, यानी H जो है वो हाइड्रो का है और T मतलब थर्मल, NTPC जो कोयला से बिजली बनाती है और NHPC जो पानी से बिजली बनाती, दोनों ही भारत सरकार की बड़ी ज़बरदस्त कंपनियां हैं पावर सेक्टर में, और हिंदुस्तान को जगमगाने में, हिंदुस्तान में एक रोशनी का एक बहुत बड़ा इनकलाब लाने में, आप कह सकते हैं कि ज्योति पर्व अगर देश मनाता है तो उसमें NHPC और NTPC का बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ी क्रांति। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ जब आए थे और उन्होंने राज किया था तो पूरे देश में उन्होंने बिजली पहुंचा दी थी, अंग्रेज़ों के जाने के बाद, चलिए नेहरू जी का नाम लेता हूं मैं, नेहरू जी के नेतृत्व में जो NHPC और NTPC ने क्रांति करी, और ठीक है जिसको क्रेडिट देना चाहिए कांग्रेस को। और ये दो कंपनियां NHPC NTPC, दो लाइन बोलिए साहब, नहीं इतना बड़ा कॉरपोरेट आपका रिपोर्टिंग रहा इतिहास। नहीं नहीं, देखिए NHPC और NTPC तो आपने बताया, एक थर्मल में एक हाइड्रो में रही है जी, पर अब इनका एक चीज़ और है, अब ये पूरा देश के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? नहीं, ज़बरदस्त है। देखिए जब तक प्राइवेट कंपनीज नहीं आई थी तो किसने चलाया है? अब तो हम एक्चुअली, मैं कुछ कहना भी चाहूँगा, पब्लिक सेक्टर को भूलते जा रहे हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि आज के दिन में उनकी हिस्सेदारी और इम्पोर्टेंस और वैल्यू सब कुछ कम होता जा रहा है, तो अब तो इतनी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं कि अब तो काम, तो आप कह सकते हैं कि लालटेन से दिए से बल्ब की तरफ ले जाने में बहुत बड़ा योगदान इनका है, और बहुत सस्ता शेयर है, मतलब इतना सस्ता शेयर है कि आप कहेंगे यार खरीद लो, इसमें क्या रखा है, क्या रखा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शेयर अगर 25 रुपये का भी है, 15 रुपये का भी है, अगर आपने 1,00,000 रुपये का ख़रीदा है, 50,000 का ख़रीदा है, तो आपकी मार्जिन्स जो हैं प्रॉफिट की वो उसी रेशियो में पड़ेंगी, उसी प्रोपोर्शन में पड़ेंगी। तो इस पर मत जाइए कि रेट क्या है, मुनाफा क्या है, इस पर फोकस करिए, इस पर केंद्रित रहिए। और ये जो शेयर है 25 रुपये 25 पैसे का है, 25-25 बहुत अच्छा फिगर है, आज इसका जो भाव था आज बंद हुआ 25-25, 25 रुपये 25 पैसा। क्या टारगेट दे रहे थे जी? तो इसको 34 रुपये का टारगेट आ रहा है ICICI सिक्योरिटीज द्वारा। देखिए इनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो ट्रैक पे हैं, तो वहाँ कंफर्टेबल हैं ये। और दूसरा ये कुछ ना, अब सिर्फ हाइड्रो से काम नहीं चलेगा, तो अभी सोलर प्रोजेक्ट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। तो और एक्सपर्ट्स बिजली बनाने के हैं, वो बिजली चाहे पानी से बनाएं, चाहे वो सोलर से बनाएं, सूरज की रोशनी से बनाएं, वो माने नहीं रखता। माने रखता है कि आज भी NHPC और NTPC का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश के एक संसाधन में क्रिएट करने में एक बड़ा रोल है, और ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, और शेयर बहुत सस्ता है। 34 रुपये का पंडित जी ने अपने इसका भाव दिया है, टारगेट दिया है कि आगे ये 34 रुपये बढ़ सकता है। तो आप ये सोचिए कि नवंबर में जो चीज़
₹19 की मिल रही है और वो ₹19 से आगे बढ़ के अगर 34, 35, 40 रुपए की होती तो पैसा यहाँ भी दुगना हो रहा है, डबल मनी हो रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद कुछ अच्छे शेयर्स पे हम बात करेंगे कि क्या आपको ख़रीदना है और क्या आपको बेचना है, ये भी बताएंगे। और बेचना है एक ऐसा शेयर जिसको कुछ लोग कोहिनूर कहते हैं, तो कोहिनूर क्यों बेचा जाए, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शेयर बाज़ार में। हमने आपको इंडसइंड बैंक हिंदुजा के बारे में बताया और हमने बताया कि साहब कल्पतरु पावर जो है इसका शेयर क्यों ख़रीदा जाए। अब हम बात करते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट की। और टाइम टेक्नोप्लास्ट एक लाइन, ओपनिंग लाइन टाइम टेक्नोप्लास्ट का आज शेयर क्यों लाएँ, एक नई कंपनी का शेयर आपके लिए क्यों संजीव भाई लेके आए, एक लाइन तो संजीव भाई इसको आपको बतानी ही पड़ेगी कि आप आज ये लाए क्यों। नहीं, ये देखिए बड़ा ये जो हमारे ऑडियंसिस चाहते हैं कंफर्ट जोन उसका शेयर कर। नहीं, मैं आप क्या सोचते हो जब आप शेयर सेलेक्ट करते हो, तो क्या सोचते हो, दिमाग में क्या रहता है कि सस्ता हो, बढ़िया हो, क्या? नहीं, मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये रहता है कि ये ऑडियंस जो भी करें या जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, सबसे पहला मुझे वो ख्याल रहता है उसका। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जहाँ टारगेट अच्छा हो वो हम देखते हैं, जो आगे बढ़ रहा हो भाव। हाँ, आगे बढ़ रहा हो, जिसमें मोमेंटम आ रहा हो। और फिर हम थोड़ा कोशिश करते हैं नए शेयर देने की कि जो हमने पहले कवर ना किया हो और जो अभी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये टाइम टेक्नोप्लास्ट के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा वाकफियत आपकी हो जाए कंपनी के बारे में, तो आपको पता लगे कि भाई जो सौदा लेने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है और कौन उसके मालिक मुख्तार हैं। तो ये है तो मुंबई की कंपनी और पैकेजिंग है, लेकिन पैकेजिंग के साथ बहुत सी चीज़ें बनाती है। मतलब आप सोचिए, प्लास्टिक की कुर्सी भी बना रही है, प्लास्टिक की मेज़ भी बना रही है और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग भी कर रही है, मॉक्स फिल्म्स भी बना रही है, इस तरह के बहुत प्रोडक्ट्स हैं इनके। एक बहुत वाइड रेंज है, एक बड़ा पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का इनका। और कुल मिलाकर कंपनी सक्सेसफुल है और बहुत प्रोफेशनल है। एक बार अगर शुरू में ही मैं आपको बता दूं, रेवेन्यूज बता दूं इसके, कि कोविड के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद, चाहे इसका पैकेजिंग का काम हो, चाहे प्लास्टिक फर्नीचर हो, चाहे फिल्म्स हो, मॉक्स फिल्म्स वगैरह हो, सामान बिका है। और सितंबर में इसका जो रेवेन्यू था वो 743 करोड़ था, दिसंबर में जो इसका रेवेन्यू है वो 834 करोड़ है। तो बढ़ा है 743 से 834 दिसंबर में। और प्रॉफिट भी जो है, जो नेट प्रॉफिट है, कम है लेकिन ऊपर जाता हुआ है, 25 करोड़ से 39 करोड़ से। इसका मैं भाव बता दूं आपको, ₹52.65 आज भाव था, स्क्रीन पर देखें, 17 फरवरी को ₹52.65 इसका भाव था। और दिसंबर से लगातार, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तीनों महीने ये इस शेयर में प्राइस में मोमेंटम रहा है और इसीलिए 43, 44, 45 ऐसे करते 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 ये ₹52 तक बढ़ गया है। और आगे की दास्तान जो है वो संजीव भाई बताएंगे। जी देखिए, इसका टारगेट अभी ₹52 के आसपास चल रहा है, इसका टारगेट है 93, ऑलमोस्ट दुगना कर दिया। हाँ, तो ये प्लास्टिक की कंपनी है ज़्यादा, प्लास्टिक और पैकेजिंग बताया, तो ICICI सिक्योरिटीज उसको 93 का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन जो कारण था लाने का शेयर को, जो हम थीम एक अक्सर डिस्कस करते हैं, चाइना वाले, तो ये हो रहा है कि जो चाइना से इंपोर्ट होता था पहले, जी हाँ, वो बहुत सी कंट्रीज चाइना को पसंद नहीं कर रही, तो वहाँ से इंपोर्ट बंद हो जाएगा, जैसे इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो काफ़ी जो पैकेजिंग है वो इस कंपनी में आएगा। जी हाँ, जो माल इंडिया से जाएगा वो तो पैकेजिंग करने में ये लोग एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे बढ़ेगा इंडिया से, मतलब जो चाइना को हमने डिस्करेज किया और इनके लिए रास्ता खुला, इनके लिए रास्ता खुला, इंडियन कंपनीज के लिए रास्ता खुला, और जो इंडियन माल की भी जो दाम डिमांड बढ़ेगी, तो इस तरह की कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर संजीव शर्मा ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मैं थोड़ा और सहज कर दूँ कि इसको हम क्यों लें शेयर को, उसकी वजह है कि चीन से, जब से हमारा हिंदुस्तान और चीन एक टसल है, टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, भारत सरकार ने
मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर उसके इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक बैन तो नहीं कहूँगा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी के तहत नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको डिस्करेज किया है। तो चीन से जो सामान आना रुका प्लास्टिक का, उसकी पूर्ति टाइम टेक्नोप्लास्ट ये कंपनी कर रही है, पैकेजिंग से लेके मैंने कहा प्लास्टिक के बहुत से सामान बनाती है। तो इसको एक मोमेंटम कंपनी को भी मिला, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा और साथ ही साथ प्रॉफिट के साथ अब उसकी मार्जिन भी बढ़ रही है। अब बात करते हैं जे एस डब्ल्यू एनर्जी की। हम इससे पहले बात कर रहे थे जे एस डब्ल्यू स्टील की, तो एक तो बहुत मतलब आम बात है कि कंपनी एक ही है, मालिक एक है, मालिक कौन है, सज्जन जिंदल। हमने कहा था कि सब ओपी जिंदल हरियाणा के एक बहुत टावरिंग पर्सनालिटी, इंडस्ट्रियल पर्सनालिटी, इंडस्ट्रीज थे बहुत बड़े, जो बाद में पॉलिटिक्स में भी आए, और उनके बेटों में एक बेटा जैसे नवीन जिंदल है वैसे सज्जन जिंदल है। और सज्जन जिंदल वो है शख्स जिन्होंने स्टील इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया है अपने दम से, मतलब जो काम कभी जमशेद जी टाटा जी ने किया था या जीआरडी ने जिस स्टील इंडस्ट्री को जो है हिंदुस्तान में जिसका नाम रोशन किया, उसको रीडिफाइन करने की कोशिश सज्जन जिंदल और उनके भाई ने करी है। और एनर्जी सेक्टर में भी उन्होंने प्रवेश किया, कंपनी का नाम बताया जे एस डब्ल्यू एनर्जी, ये उनकी कंपनी का नाम है एनर्जी की। और आज 17 फरवरी को अगर हम भाव देखें तो 74.65 रुपये, 74.65 रुपीज़ आज उसका भाव था। और पिछले 6-8 महीने से अगस्त सितंबर तब से ये शेयर बढ़ता जा रहा है, यानी आप सोचिए कि 45 रुपये से बढ़ते बढ़ते ये 74 रुपये का हो गया, 75 रुपये का हो गया, तो डबल हो गया है जी, ये लगातार बढ़ रहे शेयर। और UBS स्विट्जरलैंड के बता रहे हैं कि 87 तक जा सकता है, 87। हाँ, और इसमें देखिए कारण क्या है, जूस बचा है भी इसमें, कुछ मुनाफा बचा है। देखिए छोटा शेयर है ना, तो इसमें तो 10-12 रुपए भी परसेंटेज टर्म्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, 2 रुपये में अगर 98 बढ़ जाए तो बहुत है। हाँ, ये आपने जो बताया ये, तो देखिए इनका जो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं तो 80% जो इनके पोर्टफोलियो है जी, उन सबके पावर परचेज अग्रीमेंट हो चुके हैं। तो इनका जो सब इन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था तो उसका रिस्क कम होता जा रहा है। थोड़ा सा रेवेन्यू इसका थोड़ा सा नीचे आया जो भी कारण हो, सितंबर में अगर आप देखें तो रेवेन्यू इसका है 1938 करोड़ तकरीबन 2000, और प्रॉफिट है 350 करोड़ के आसपास, 349 करोड़ एग्जैक्टली। और दिसंबर अगली तिमाही में दिसंबर में जब बैलेंस शीट सामने रखी गई अभी हाल में तो 1608 करोड़ है, और प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, 138 करोड़ हुआ, थोड़ा सा कम। हाँ, नहीं ऑब्वियसली वो थोड़ा एक उसका भी इम्पैक्ट रहा है, और दूसरा ये अभी अपने ये पावर परचेज अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, एक बार जब ये हो जाएंगे ना और इनका पूरा फ्लो शुरू हो जाएगा फिर बढ़ेगा, तब आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो अभी कुछ और इनके एग्रीमेंट्स लाइनअप हैं, कुछ ऑर्डर्स इनके लाइनअप हैं, और कंपनी को जैसे जैसे ऑर्डर मिलता है, प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं तो पैसा का इनफ्लो बढ़ता है, कैश का इनफ्लो बढ़ता है, और हो सकता है कि जो नेक्स्ट तिमाही में इनका प्रॉफिट आपको दिखे बैलेंस शीट में। 74 रुपये का आज भाव था, और अगर आपको जे एस डब्ल्यू एनर्जी अगर आपको 70 रुपये में मिल जाए तो आप इस शेयर को खरीद कर कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, और जब आप देखें कि ये शेयर बढ़कर 90 रुपये या 87 रुपये जैसा कि संजीव साहब ने बताया है पहुँच सकता है, तब आप इसको बेच सकते हैं और एक ठीक ठाक मुनाफा आपकी जेब में आ सकता है। मैंने कहा था शुरू ब्रेक से पहले कि हम एक बात करेंगे एक कोहिनूर को बेचने की, कि आप एक अगर आपके पास वो कोहिनूर है तो बेच दीजिए। और वो कोहिनूर कौन है, वो वही है जो 2 मिनट की मैगी बनाता है, नूडल्स बनाता है कंपनी, और इन्फेंट मिल्क भी बनाता है, नेस्ले उसका नाम है। और नेस्ले जैसी कामयाब कंपनी, नेस्ले जैसा शेयर, नेस्ले जैसा प्रोडक्ट लाइन, नेस्ले जैसा मैनेजमेंट, कमाल है सब। और इसीलिए FMCG सेक्टर में ये लीड करती है इंडस्ट्री, कोहिनूर है। लेकिन ये हीरा अगर आपके पास है तो इसको आप बेचिए, क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है इसका भाव। आप देखें दिसंबर में 18,000 क्रॉस कर गया था, ये 18,000 रुपये का एक शेयर, और
अब लुढ़कते लुढ़कते थोड़ा नीचे आया है, 16,741 का है आज, तो कम से कम 500 रुपये घट गया, 476 रुपये। इसीलिए घट गया दीपक जी, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो भी रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें जो मार्जिन थे, प्रॉफिट मार्जिन जी, वो कम हो के आए हैं। तो अभी इसका टारगेट आ रहा है 16,326 रुपये जो HDFC सिक्योरिटीज उसको दे रहे हैं। तो अगर आपके पास नेस्ले है तो या तो उसका आप एक पोर्शन निकाल दीजिए, पूरा नहीं आप निकालना चाहते, एक पोर्शन आप बेच सकते हैं 16,326। तो यहाँ तक नीचे जा सकता है, तो अगर आपको सस्ता ही मिलेगा तो फिर आप सस्ता ले लीजिएगा। तो इनका ये कहना है संजीव भाई का कि शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस शीट हल्का सा, क्योंकि लॉकडाउन में तो सामान खूब बिका, और फिर जैसे जैसे मतलब लोगों की मजबूरी थी कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स को लेना ही लेना है, बहुत से घर थे मैगी चल रही थी उसमें, बिस्किट चल रहे थे, तो अब नेस्ले पीक को हिट कर गया, एक शिखर पे पहुंच गया इसका भाव, फिर नीचे आया है, तो प्राइस करेक्शन हो रहा है, इसको प्राइस करेक्शन कहते हैं। और ऐसे में संजीव ने जी ने आगाह किया है, आपको सावधान किया है कि अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको अभी बेच दें, कहीं और नीचे ना चला जाए, तो अपने को लॉस को आप स्टॉप करें। हाँ, और दीपक जी एक चीज़ और होगी कि जब ये और गिर जाएगा उसके बाद एक स्टेज ये आ सकती है जब ये दोबारा अट्रैक्टिव हो जाए, तब हम दोबारा अपडेट करते हैं। और उसकी वजह है, हम यूँ ही नहीं कह रहे कि आप इसको आप सेल करते हैं, आप देखें प्रॉफिट भी उनका काफ़ी नीचे आया है, मार्च में देखें तो नेट प्रॉफिट था 525 करोड़ रुपया, जून तिमाही का रिजल्ट देखें तो 486 हो गया, सितंबर में 587 थोड़ा बढ़ा, और दिसंबर में फिर घट के 483 करोड़ सा गया, तो प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो थोड़ा सा नीचे आया है, और इस वजह से हमारा कहना है कि आप इसको सेल करें, बेच दें अगर आपके पास है, और या फिर अगर आप बहुत लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो फिर रोके रखें, फिर आपको मतलब इस बात की टेंशन ना हो कि नहीं नहीं दाम नीचे क्यों जा रहा है। तो ये जो स्लाइड और अपस्विंग ऊपर जो चीज़ें उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं ना, मार्केट बहुत वोलाटाइल है, तो बेहतर यही है कि इसको आप बेचें, और संजीव साहब का यही कहना है। तो आज हमने कई कंपनियों की बात करी है, और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मौसम बदल रहा है, और इस बदलते हुए मौसम के साथ जब हम अपने स्वेटर उतार रहे हैं, जैकेट उतार रहे हैं, रज़ाई का जो मोटाई है कम हो रही है, हीटर्स ऑफ हो रहे हैं, हो सकता है मार्केट भी खुले, मार्केट का प्राइस करेक्शन हो और थोड़ा सा नीचे आए आने वाले दिनों में, और तब मुझे लगता है कि फिर संजीव भाई को तो फिर लोग पिक्चर कहाँ देखेंगे, संजीव भाई को सुनेंगे, क्योंकि वो वक्त होगा जब आप मार्केट में एंटर करके कुछ शेयर सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए शो के साथ, नए शेयर्स के साथ, अपने कार्यक्रम शेयर बाज़ार में। कैमरामैन कमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज मुस्कुरा रहे हैं, हालाँकि वो तो उनसे भी मैं सलाम करता हूँ कि वो बेचारे शूट करते रहते हैं, किसी दिन उनसे आपको ज़रूर मिलवाएंगे। इंडिया टुडे ग्रुप में रहे हैं और बड़ा लंबा कैरियर कमर साहब कर रहा है। तो आज बस इतना ही, कल फिर शेयर बाज़ार में, नमस्कार।